नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लखदीप और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा आगरा के ज्वेल बॉक्स या बेबी ताज इत्मादुद्दौला की टूम पर। आगरा के सबसे प्रभावशाली वास्तुशिल्प चमत्कारों में से एक ताजमहल को बनाने की प्रेरणा इत्मादुद्दौला से ही मिली थी, इसलिए इसे बेबी ताज भी कहा जाता है। प्रवेश द्वार पर स्मारक का इतिहास गंभीर रूप से उकेरा गया है, जो ये दर्शाता है कि जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने इसे अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में बनवाया था, जिन्हें अकबर ने इत्मादुद्दौला या पिलर ऑफ स्टेट की उपाधि दी थी। यह भारत में पूरी तरह से संगमरमर या मार्बल से बनने वाला पहला स्मारक भी है। इससे पहले लाल और काले पत्थरों का इस्तेमाल ही किया जाता था। मिर्जा निर्वासन में एक पर्शियन आमिर थे, उनका व्यापार डूब गया था, जिस कारण उन्होंने भारत में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उनके साथ उनकी गर्भवती पत्नी और 3 बच्चे भी थे, लेकिन दुर्भाग्य से इंडिया आते वक्त उनकी सारी संपत्ति लूट ली गई। जब तक उनकी पत्नी ने 1 बच्चे को जन्म दिया, तब तक उनका परिवार पहले से ही आर्थिक संकट में था। जब वो बालिका को त्यागने की योजना बना रहे थे, तो वो खुद को कुछ व्यापारियों की संगत में पाते हैं, जो उन्हें सम्राट अकबर के दरबार में ले जाते हैं, जिसके बाद उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है। मिर्जा बेग काफी मेहनती थे, जिस कारण वो बहुत ही जल्दी ट्रेजरर या खजांची के पद पर पहुंच गए थे। सम्राट अकबर उनके काम से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने मिर्जा बेग को इत्मादुद्दौला या पिलर ऑफ स्टेट की उपाधि दी। मिर्जा गियास बेग को प्रधानमंत्री बनाया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद वो लंबे समय तक जीवित नहीं रहे। 1622 में उनका निधन हो गया। यह स्मारक उनकी बेटी के कहने पर 1622 से लेकर 1628 के बीच बनाया गया था। मकबरा एक बड़े क्रूसीफॉर्म बगीचे में स्थापित है, जो पानी के पाठ्यक्रमों और वॉकवे से घिरा हुआ है। यह 4 बाग शैली की वास्तुकला में बनाया गया है, जो एक पर्शियन शैली का गार्डन लेआउट है, जिसमें मुख्य भवन को एक चतुर्भुज उद्यान के केंद्र में रखा गया है, जिसे वॉकवेज या बहते पानी से 4 छोटे भागों में विभाजित किया गया है। स्क्वायर मकबरे में ऑक्टेंगुलर मीनारे हैं, जिसमें शीर्ष पर छतरियां हैं, जो इसके कॉर्नर से जुड़ी हुई हैं। मिर्जा बेग की बेटी मेहरुन्निसा बाद में बादशाह जहांगीर की पत्नी बन गई और खुद को नूरजहां का नाम दिया। प्रत्येक अग्रभाग में 3 मेहराब होते हैं। केंद्र एक प्रवेश द्वार प्रदान करता है और अन्य 2 किनारों पर जालीदार स्क्रीन द्वारा बंद किया जाता है। प्रत्येक तरफ से एक बालकनी और उसके ऊपर एक जालीदार स्क्रीन बालूस्ट्रेड द्वारा संरक्षित है। इमारत को एक स्क्वायर पवेलियन सी छत पर रखा गया है, जिसमें ताजी हवा की अनुमति देने के लिए डिजाइन किए गए 12 दरवाजे हैं। यह एक बालकनी से सुरक्षित है, जिसके ऊपर पिरामिडल छत है, जिस पर कमल की पंखुड़ियां और कलश की फिनियल्स हैं। इंटीरियर एक सेंट्रल स्क्वायर हॉल से बना है, जिसमें असमत बेगम मिर्जा गियास के मकबरे हैं। किनारों पर 4 आयातकार कमरे और कॉर्नर्स पर 4 चौकोर कमरे हैं, जो सभी आम दरवाजों से जुड़े हुए हैं। असमत बेगम की कब्र हॉल के ठीक बीच में है। कोने के कमरों में नूरजहां के अन्य संबंधियों की कब्रें हैं। दीवारें राजस्थान के सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई हैं, जो कॉर्नेलियन जैस्पर, लैपिस लजूली, ऑनिक्स और टोपेज जैसे अर्ध कीमती पत्थरों से सुशोभित हैं। यहाँ पर सिप्रस ट्री, वाइन की बोतलें, कटे हुए फलों और फूलों के फूलदान की आकर्षक छवियाँ हैं। कहा जाता है कि ऐसी आंतरिक सजावट ने ताजमहल को बनाने के लिए भी प्रेरित किया, जो कि मुगल शासक शाहजहां द्वारा निर्मित किया गया था, जो ईरानी वास्तुकला से प्रभावित थे। अधिकांश चित्र राजा के दरबार में उस्ताद मंसूर नफकश, जो कि एक प्रमुख बोटेनिस्ट और चित्रकार थे, उनके निष्कर्षों से प्रेरित है। कुरान के 4873 अध्यायों को दीवारों के एक तरफ उकेरा गया है और अंदर के एक पैनल पर 67 अध्याय इंस्क्राइब्ड है। यह पियत्रा दूरा वर्क का एक्सटेंसिव उपयोग करने वाली पहली मुगल संरचना थी और यमुना के तट पर बनने वाला पहला मकबरा।
अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।